हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दो चीजें बताई जा रही है यहाँ पे, लाइफ के बारे में और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिलेट करवाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने राइट टू फ्रीडम की ब्रॉड आउटलाइन डिस्कस करी। मैंने आपको यह भी बताया कि राइट टू फ्रीडम एक ब्रॉड राइट है जिसके अंदर बहुत सारे अधिकार आपको मिले हैं। फ्रीडम, आजादी हर चीज की, ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, एक्शन, हर चीज की। अब उसमें मैंने आपको बताया कि हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। नहीं तो पता लग रहा, आप बोल रहे हो कि आपकी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो आप, और रात में छत पे 2 बजे रात को आप जोर जोर से गाना बजाने लगे, तो ये तो क्या हो गया? या आपने दूसरों की राइट टू फ्रीडम जो है सोने का, उनका अधिकार है कि चैन से सो सके वो, आप उसके ऊपर एनक्रोच कर गए, उन्हें उनके राइट्स को वॉयलेट कर दिए। आगे समझ में? तो मैंने आपको ये बताया था कि राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हुए आप क्या करते हैं, राइट टू फ्रीडम को आप एक्सरसाइज करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि यू आर नॉट वॉयलेटिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के राइट टू फ्रीडम को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, राइट टू फ्रीडम के अंदर जो आपको और कैटेगरीज मिलती है, जैसे आर्टिकल 19 से लगा के हम 22 तक की बात करेंगे, तो उसमें हम आपको क्या क्या देखेंगे? हम उसमें ये देखेंगे कि राइट टू लाइफ भी आता है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। तो ये क्या चीज है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर आपको क्या क्या अधिकार मिले? क्वेश्चन इन जनरल आ सकते हैं। इन जनरल कैसे आ सकते हैं? इन जनरल आपसे पूछ ले, एक्सप्लेन दी ब्रॉड राइट्स विच आर ग्रांटेड टू यू अंडर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से राइट्स दिए गए, तो आप वहां पे एक पॉइंट लिख दोगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और उसे समझा दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया कि एक्सप्लेन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसे एक्सप्लेन करो, ठीक है, व्हाट रोल डज द जुडिशियरी प्ले इन एंश्योरिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियरी का क्या रोल होता है, तो वो सारे टॉपिक्स को, उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 21 जो है, ठीक, आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आपके अधिकार है, ये वाला आपका फंडामेंटल राइट है, दिस इज बीइंग ग्रांटेड टू यू अंडर आर्टिकल 21। आगे क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी भी इंसान को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ये एक्सेप्ट वर्ड जो है ना, ये एक्सेप्शन बताता हमेशा। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोगों को फांसी पे लटका दे रहे हो, तो वो तो आप क्या कर रहे हो, उनसे उनके अधिकार छीन ले रहे हो, उनसे उनका राइट टू लाइफ छीन ले रहे हो, तो ये तो फिर आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम प्रोटेक्शन देंगे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, और किसी को फांसी पे लटका दिया। तो वही चीज तो हमें समझना है क्या, कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो किसी भी इंसान को यूं ही किसी को भी फांसी पर नहीं लटका दोगे आप। तो यहां पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ में यह बोला गया है कि आप किसी की हत्या नहीं करोगे। आपने किसी की हत्या कर दी है, ठीक है, आपने किसी का रेप कर दिया है, तो बाय लॉ आप क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, और आपको पनिशमेंट मिलेगी उसमें अगर प्रोविजन फांसी का है तो फांसी पर भी लटकाएंगे। आया ना समझ में? तो यही चीज है, आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो देता ही है, उसी के साथ साथ में ये भी बताता है, जैसे मैंने बताया, कि इस पे क्या होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? एब्सोल्यूट हर सेंस में नहीं होते हैं। तो वैसे राइट टू लाइफ तो एक बहुत मेजर राइट है, ये इमरजेंसी के टाइम पे भी हटाया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है बाय लॉ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी राइट टू लाइफ ली जा सकती है। जैसे फांसी का एक कैपिटल पनिशमेंट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस एक्सेप्शन, ठीक। अब देखो क्या है, यहां पे जो शब्द है वही एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वो क्या कि आपकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को बाय लॉ प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड है उसके थ्रू किया जा सकता है, उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है आपसे, ठीक। अब देखो क्या है, नो वन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी, ये तो राइट टू लाइफ हो गया, अभी और आगे डिस्कस करेंगे। राइट टू लाइफ जो है तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपका जीने और मरने का अधिकार को ही डिफाइन करता है। राइट टू लाइफ एक इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जुडिशियरी ने इसे और एक्सपेंड करा है, वो क्या करा है वो भी देखेंगे हम अभी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए, पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या है कि आपकी खुद की पर्सनल आजादी, ठीक है, फ्रीडम जो है, तो आपकी फ्रीडम है, आपको कोई भी पुलिस वाला यूं ही पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता है, ठीक। यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक कहानी आती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सनल लिबर्टी आपकी ये कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको जगह पे जाने की आज़ादी है। मान लो पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट भी कर लिया है, तो आपको फंडामेंटल राइट क्या प्रोटेक्शन देता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को आप बचा सको, या फिर आपकी पर्सनल लिबर्टी में आपको क्या प्रोटेक्शन दिया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब ठीक है, ये हमें समझना है कि हमारी अगर पर्सनल लिबर्टी डिनाई होती है तो हमारे पास में क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, या फिर क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिले हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट प्रोविजंस विच हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग आवर पर्सनल लिबर्टी, तो ये प्रोविजंस हैं।
नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बींग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ सच एन अरेस्ट. आपको अरेस्ट कर सकते हैं, यू विल नॉट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. बाय लॉ अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को खत्म किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है. लेकिन आपको क्या उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिया है, फिर क्या प्रोविजन है जो आपको बताता है कि कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यह है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बींग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट. क्यों अरेस्ट किया जा रहा है यह आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल लिबर्टी का मामला है. ठीक है, आप बोलोगे कि मैं आपके साथ जेल चलने को तैयार हूं, आप कारण तो बताओ. तो देखा हो ना आपने मूवीज में वारंट आता है निकल के, तो पहली चीज तो ये हो गई, नो वन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, उसमें क्या है, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी आपको अरेस्ट करे तो आपको ग्राउंड्स बताना होंगे. ठीक है, कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस वाले आपको बताएंगे. अब मान लो अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए और आदमी बैठा है जेल में, उसे पता ही नहीं क्यों अरेस्ट किया है. तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आदमी अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है. अगर वो सवाल करे तो पुलिस वाले को जवाब देना पड़ेगा. ठीक, आगे क्या है, द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस. अगर अब आपने देखा होगा, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को रिलेट करवाते चल रहा हूं. किसी ऐसे इंसान को जो अनएजुकेटेड है, गरीब है, ठीक है, तो पुलिस पकड़ के ले गई, उसको दो चाटे लगाए, जेल में बिठा दिया है. अब क्योंकि वो इंसान अवेयर नहीं है उस चीज के बारे में, तो वो भी बैठा है चुपचाप वहां पे, ठीक है, साफ साफ कर रहा है कि पुलिस वाला से शायद विनती करके कर ले तो पुलिस वाला छोड़ देगा. ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन होते हैं या फिर कह सकते हैं कि क्या सीनारियोज बनते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा और कहीं ना कहीं रियलिटी में भी हो जाता है ये. लेकिन अगर आप ये दूसरा देखेंगे तो जिस जो अवेयर है, पहली बात तो वो जाएगा ही नहीं, कारण पूछेगा. ठीक है, कारण बताओ लेके चलो. फिर अगली चीज क्या, दी पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस. फिर आपने मूवीज में ये भी देखा होगा कि किसी अमीर इंसान को पुलिस ले जाती है अगर, तो वो अमीर इंसान क्या करता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पे उसका लॉयर वेट कर रहा होता है. लॉयर अपने जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करती है और वो आदमी को लेके चले जाता है. तो दूसरी चीज, यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास ये अधिकार है, द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. ठीक है, वो अपने आप को बचा सकता है. ठीक, अपने आपको कैसे बचाएगा वो, तो लॉ में जो प्रोविजन है, जिस हिसाब से कानून बना है कि हाँ आप आपके प्रोटेक्शन के लिए ये कर सकते हो, तो जिस इंसान को कानून पता है वो क्या करेगा, कानून पता किसको होता है, अधिकतर लॉयर को, तो वो अपने आपको डिफेंड करवा लेगा. ठीक है, जो इंसान है वो अपने आपको, द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस. तो वो अपने अपनी चॉइस का पहचान वाला, ठीक है, बहुत अच्छा लॉयर जो भी है, तो वो अपनी चॉइस के लॉयर को हायर कर सकता है और अपने आपको डिफेंड करवा सकता है. ठीक, तीसरी चीज क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. चलो अब मान लो किसी इंसान को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है, कि एक जगह मर्डर हुआ था और या फिर एक जगह चोरी हुई थी और हमने इस इंसान को वहां से जाते देखा, तो आपको ग्राउंड बता दिया और आपको अरेस्ट कर लिया. ठीक है, अब आपने आपके लॉयर से क्या करिया, मतलब आपने लॉयर से भी कंसल्ट कर लिया, लॉयर ने बोल दिया कोई प्रोविजन नहीं, आपको अरेस्ट होना ही पड़ेगा. ठीक है, आप अरेस्ट भी हो गए. अब आपकी पर्सनल लिबर्टी एक तरह से देखो तो आप पूरी तरह से किसके अंडर में आ गए, पूरी तरह से पुलिस के अंडर में आ गए, पुलिस पिटेगी तुम्हें बहुत. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी, यहां तक आप बाय लॉ सारी चीजें चल रही है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो सब कुछ बाय लॉ हो रहा, तो कुछ गलत नहीं हो रहा आपके साथ में. लेकिन पर्सनल लिबर्टी अभी भी हो सकता है कि आपके साथ में क्या किया हो, पूरा षड्यंत्र रचाओ, तो षड्यंत्र को सही है या गलत है, मतलब वो बात आप सही में, आपको अरेस्ट करना कहां तक सही है कहां तक गलत है, इस चीज को तय कौन करेगा, पुलिस तय नहीं करेगी, इस चीज को तय करेगा मैजिस्ट्रेट. ठीक है, इस चीज को जुडिशियरी तय करेगी, जो जज साहब होते हैं ना वो तय करेंगे. तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है. क्या प्रोविजन है, कि इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. तो आज आपको 8 बजे रात को अरेस्ट किया, तो कल रात की 8 बजे के पहले पहले आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा. ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों प्रेजेंट करना होगा, देखो तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पावर, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियरी होता है, पुलिस किस में आ गए, एग्जीक्यूटिव में आ गए, और जजेस जो हो गए, मैजिस्ट्रेट जो हो गए, तो ये किस में आ गए, ये आ गए जुडिशरी में. ठीक है, ये जज हैं, तो अब जुडिशरी में आ गए, तो अब दोनों ऑर्गन्स में बैलेंस ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस होता है. ठीक है, ये तय किया जाए कि अरेस्ट सही है या गलत है, तो ये कौन आदमी तय करे, जो तीसरा आदमी है जिसका पुलिस के साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो. तो मैजिस्ट्रेट जो है तो वो न्यूट्रल, एक तरह से कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन हो गए, और ये न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन ये देखेगा कि हाँ आपकी अरेस्ट सही है या नहीं है, कहीं आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट तो नहीं हो रहा है, पुलिस ने आपको जबरन तो अरेस्ट नहीं कर लिया. अगर तो दीज आर दी प्रोविजंस विच आर प्रोटेक्टिंग यू, क्लियर, तो ये आपके फंडामेंटल राइट है. इस तरह से फंडामेंटल राइट के बारे में अवेयर होना चाहिए हमें. क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्लियर है ना, कि
कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आपकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट टू लाइफ किस आर्टिकल के अंदर में है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, रोल ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, इन इन गिविंग प्रोटेक्शन टू योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जुडिशियरी का काम क्या होता है, जुडिशियरी आप ऐसे लिखोगे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा जुडिशियरी, जैसे एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी है ना, तो जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और जुडिशियरी क्या करता है, जुडिशियरी इम्पार्शियल वे में ये देखता है कि कहीं आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अननेसेसरीली वॉयलेट तो नहीं किया है, ठीक। और उसी के साथ में एक चीज और ये बताई गई है, राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ बट हैज वाइडर एप्लीकेशन। इस चीज को समझिए बहुत अच्छी तरह से, जुडिशियरी का काम और भी होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपका वॉयलेट हो रहा है राइट नहीं हो रहा है उससे चेक करना, या फिर सिर्फ किसको फांसी की सजा दी जाए किसको फांसी की सजा नहीं दी जाए, यही काम नहीं होता है जुडिशियरी का। जुडिशियरी का जो काम होता है तो वो आपके इस राइट को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक वाइडर एप्लीकेशन के फॉर्म में, या फिर एक कह सकते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन उसको बहुत बड़ा देता है। जीना है तो जी तो हर इंसान रहा है, जो पैदा हुआ वो जी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाए, पेट भर जाए और आप जी लिए, ठीक है। राइट टू लाइफ में आपको सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, और इसी चीज पे आपने देखा होगा जुडिशियरी क्या करती है कि मान लो कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो बोलती है कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, लोगों को जीने में दिक्कत होगी, ठीक है। राइट टू लाइफ में आपके बहुत सारे वाइडर एप्लीकेशंस हैं। और चीजें क्या क्या देखोगे आप, देखो बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जांपल देता हूं कि जीने के लिए आपको खाना जरूरी है। अब अगर मान लो आप पैदा हो गए और सिर्फ जी ही रहे हो, खाना नहीं है, आप ऐसा है कि जब तक कौन कितना लंबा इम्यून सिस्टम है, कौन कितने लंबे समय तक उपवास कर सकता है वही जिंदा रहेगा, बाकी गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खाने देने की, तो जुडिशियरी क्या करती, इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट को बोलती है कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो जिंदा रहे, अब उनके पास पैसे नहीं है तो आप खाना आप दीजिए। तो हम देखते हैं इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स पे सामान बेचती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लाई है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम लाई ताकि वो राइट टू लाइफ, क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव कर सके। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड तक एक्सटेंड होता है कि आपको क्या मिले, सिर्फ जीना ही नहीं है, जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी है उनका भी ध्यान रखा जाए। आना समझ में, ऐसे समझो उसको कि कितना वाइडर इंटरप्रिटेशन है राइट टू लाइफ का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंशन ऑफ राइट्स हैव टेकन प्लेस, ये वही चीज बताई गई है कि राइट टू लाइफ जो है तो सिर्फ जीने तक का अधिकार नहीं है, उसका एक्सपेंशन हुआ, उसके वाइडर इंटरप्रिटेशंस निकल के आए, उसको अलग अलग तरीके से देखा गया है। क्या वाइडर इंटरप्रिटेशंस निकल के आए, तो जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे राइट टू लाइफ को और एक्सटेंड किया है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट टू लाइफ में ये बोला गया है कि आपको किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉयट ना करे, आपके बीच में मतलब फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या है कि आप अपर कास्ट के लोअर कास्ट के मायने नहीं रखता है, गवर्नमेंट सबको इक्वली देखे, तो राइट टू इक्वलिटी से रिलेट करो फ्रीडम को, आया समझ में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था राइट टू फ्रीडम, जब हमने पिछले वीडियो में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, वही चीज है। तो राइट टू लाइफ में आपको सिर्फ जिंदा रहना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसी के साथ साथ में आपकी डिग्निटी भी हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाए। राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। राइट टू शेल्टर, आपके पास घर हो, आप फुटपाथ पे ना सो, ठीक, तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमें क्या लेना देना, इन लोगों ने मेहनत नहीं करी तो ये फुटपाथ पे सो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि राइट टू लाइफ में गवर्नमेंट ध्यान रखे, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज देती घरों पे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती, गरीब लोगों को खाना देती है, राइट टू फूड भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो ये सारे एक वाइडर इंप्लीकेशन बनता है इसका, आया ना समझ में। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। आई होप यहां तक समझ में आया आपको चीजें। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये जो पर्सनल लिबर्टी है, तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो बताया गया है, तो उसमें कभी कभी आपकी पर्सनल लिबर्टी को इंक्रोच कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।